दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी। एचआरटीसी नाहन डिपो में रविवार को कर्मशाला में मशीनों व टायरों की मरम्मत का शोरगुल एक बार फिर गूंजने लगा है। निगम नाहन डिपो के पीस मिल कर्मियों की पिछले 20 दिनों की टूल डाउन स्ट्राइक पर बीओडी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ठोस अनुबंध नीति तैयार होने के बाद पीस मिल कर्मी कर्मशाला में काम पर लौट आए हैं। पीस मिल कर्मियों ने कहा है कि परिवहन मंत्री द्वारा पीस मिल कर्मियों को 1 जनवरी 2021 से ही अनुबंध पर लिया जाएगा। निगम नाहन डिपो पीस मिल यूनियन के प्रधान जगदीश ने कहा कि सभी पीस मिल कर्मियों के साथ इस मुहिम में मीडिया के भरपूर सहयोग से ही ये जायज मांग पूरी हो पाई है। एचआरटीसी नाहन डिपो की कर्मशाला आज रविवार को भी गुलजार दिख रही है और जो टूल डाउन स्ट्राइक पीस मिल की थी अब वो सब काम में लौट आए हैं। आप किस तरह से इसको अब निर्णय को देखते हैं? नमस्कार जी, दिव्य हिमाचल का आप स्वागत है। हम हिमाचल में 989 पीस मिल कर्मचारी पिछले 20 दिनों से टूल डाउन स्ट्राइक पर थे और हमारी जो मुख्य मांग थी वो इन सभी कर्मचारियों को अनुबंध में लाना था और इस मांग को लेकर के हम पिछले 20 दिनों से संघर्षरत थे, अपने टूल डाउन स्ट्राइक पर थे। और पिछले कल हमारी जो माननीय परिवहन मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में बीओडी हुई और इन्होंने इन कर्मचारियों के हित में, हम सभी के हित में जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए 20 मिल कर्मचारियों के ऑर्डर करने के आदेश दिए और 2 सप्ताह के भीतर ये काम हो गया है, पूर्ण रूप से ये हो ही जाएगा। क्योंकि हमें 28 के 28 डिपो में 989 पीस मिल कर्मचारी कार्यरत थे, उनमें से सरकार के पास जो वैकेंसीज खाली थी वो 663 वैकेंसीज खाली थी, 700 कुछ का 5 साल का कार्यकाल जो पूरा हो चुका है उसमें 92 कर्मचारी जो बचते हैं उनको सरकार ने आश्वासन दिया है और कि उनके जो ऑर्डर है मार्च और सितंबर सेशन में जितने भी कर्मचारी बचते हैं सबके आदेश जैसे जैसे वो टाइम पीरियड पूरा करेंगे सबके आदेश हो जाएंगे। और इस ठोस निर्णय के बाद हम सभी कर्मचारी हिमाचल की विभिन्न वर्कशॉपों में काम पर लौट आए हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मीडिया बंधुओं का, खासकर दिव्य हिमाचल का, जिन्होंने हमारी पल पल की अपडेट पिछले 20 दिनों से देते आए हैं और उन्होंने हमारी मांग को निष्पक्ष भाव से सरकार और प्रबंधन के सामने रखा। और मैं सभी अन्य कर्मचारी साथियों का, जो रेगुलर कर्मचारी साथी हैं, जितने भी 11 की 11 यूनियन के सदस्य हैं, जेसीसी का, सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जितने भी 900+ पीस मिल कर्मचारी इस धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे, चाहे सर्दी हो बरसात हो, उन्होंने इस समस्या। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट।